सो वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल वॉयस ऑफ पीयूष एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और बहुत ही अच्छा दिन है। सुबह 6 बजे नींद खुल गई थी एंड थोड़ा बहुत बेसिक एक्सरसाइज किया, काफ़ी अच्छे से फ्रेश हुए और अब रेडी होके हम ऑफिस को निकल गए हैं। आज का दिनचर्या बहुत सिंपल रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बेसिक लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं वीकडे पे, जो मैं आपको बोलता हूँ काम में बिजी था। तो आज कौन कौन सा काम किया वो मैं आपको बताऊँगा एंड बस इतना ही है। आज हम जाने वाले हैं राम प्यारी के साथ। चलो जर्नी शुरू करते हैं और आपको रास्ते में बात करता हूँ। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए। आजकल गर्मी इतनी बढ़ गई है कि बिना एसी के आप दिन के किसी भी हिस्से में टिक नहीं पाओगे, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो। एनीवेज चलो, कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया। कल शाम को याद है मेरे लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बोला था, लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बोला था कि वो जो केरला वाला म्यूजिक परफॉर्मेंस था उसका पूरा वीडियो मैं डालूंगा मेरे ब्लॉग में, ऐसा मैंने बताया था। बट कल जब मैंने मेरा लैपटॉप चालू किया उसको एडिटिंग करने के लिए, तो भाई साहब आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज दैट फोल्डर, वो वीडियोस का पूरा फोल्डर गायब है। इट इज़ नॉट देयर, इट डज नॉट एग्जिस्ट। मेरे फ़ोन में वो वीडियो नहीं है, मैंने हार्ड डिस्क चेक कर लिया, हार्ड डिस्क में नहीं है, मेरे रिसाइकल बिन में नहीं है। वो वीडियो का फोल्डर मिल ही नहीं रहा है। फोटोज का फोल्डर है इनटैक्ट, इट इज देयर, लेकिन वो वीडियोज का फोल्डर गायब हो गया। तो मेरा जितना भी कोची का 3 दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग था सब गायब है। आई वॉज सो सैड यस्टरडे इवनिंग। हुआ कैसे, मैंने रिकवरी टूल्स इंस्टॉल किए 2-3 अलग अलग टाइप के एंड रिकवर करने की कोशिश की, रिसाइकल बिन ट्राई किया, बट वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। इट इज नॉट, ऐसा लग रहा है जैसे वो बस गायब हो गया, वो चीज हुई नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। आई डोंट नो, मे बी शायद वो जो मैंने अभी एक नया वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, डाविंसी रिजॉल्व, आई एम लर्निंग दिस न्यू सॉफ्टवेयर, दिस इज मच 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 बेटर देन iMovie एंड Adobe Premiere Pro। तो इसका फोल्डर लिंक करना, तो शायद जब मैं फोल्डर लिंक कर रहा था उस टाइम पे कुछ गड़बड़ हुई होगी, बट आई डोंट रिमेम्बर डूइंग सच थिंग, क्या आई डोंट नो। बस अब ये है कि वो सारे वीडियोस गायब हो चुके हैं, आई डोंट हैव एनी वीडियोस लेफ्ट, तो आई वाज सो सैड, बट क्या कर सकते हैं, होनी को कौन डाल सकता है, होनी तो होके ही रहेगी, जब भी होनी है। फिलहाल के लिए न्यूज तो ये है। चलो हाईवे पे मिलते हैं, अभी फिलहाल ये गलियां क्रॉस कर लूं, ये गलियां या चौबारा। बाय द वे अभी कुछ दिन पहले भी नहीं, 3-4 दिन पहले मैंने गाड़ी निकाली थी चलाने के लिए, मेरे ड्राइवर साइड का हैंडल टूट के हाथ में आ गया था, ऑलमोस्ट टूट गया था। उसको कैसे भी करके मैंने खोल तो दिया दरवाज़ा, और जब रिपेयर करवाने गया तो यू नो ना, आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट हमेशा नकली आते हैं, तो एक कार्बन फाइबर, बोल तो नहीं सकता कार्बन फाइबर, बट कार्बन फाइबर का हैंडल लेके लगाया ब्लैक कलर का, उसको मैंने व्हाइट कलर खुद से ही कर दिया। फिलहाल के लिए काम चल रहा है, बट उस दिन जब कराने गया था रिपेयर, तो पता चला कि मेरे ड्राइवर साइड का सस्पेंशन भी खराब हो चुका है। वो मैकेनिक ने टेस्ट राइड लिया था, उन्होंने जाके चेक किया, 2 चीज़ें सामने आई कि एक वो सस्पेंशन खराब हो चुका है एंड इट इज़ नॉट वर्किंग, जिसकी वजह से पूरा झटका ऊपर आता है, आवाज़ अंदर की तरफ आती है, एंड सेकेंडली क्लच वायर एंड एक्सेलरेटर वायर का सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा गड़बड़ है, वो मुझे भी फील होता है। मुझे एक्चुअली उसको चेंज करवाना है, तो जब ये चेंज कराने जाऊंगा अपना सस्पेंशन तब वो भी करा दूंगा। फिलहाल के लिए तो ये हफ्ते नहीं कराऊंगा, बिकॉज देयर इज अ गुड न्यूज। यस, मैंने काफी 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 पहले आप लोग को बताया था कि मैं अप्रैल एंड में कहीं जाने का प्लान कर रहा हूँ, कन्फर्मेशन हो गया है, टिकट्स बुक हो गई है, कहाँ जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं वो आपको आगे ब्लॉग में बताता रहूंगा, आज वाले नहीं, अगले वाले या फिर शायद उसके अगले वाले, बट ट्रेन की टिकट्स बुक हो गई है एंड इट्स गोना बी अ सोलो ट्रिप। हम सोलो ट्रिप करने वाले हैं 2-3 लोकेशन, एक्चुअली 4 है, फोर्थ लोकेशन, 4 लोकेशन है, बट चौथे लोकेशन पे हम हमारे ही घर जा रहे हैं, चौथा लोकेशन हमारे ही घर का है, मुंबई का नहीं, बनारस वाला, तो हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे हमारा घर। उसके पहले 3 लोकेशन रहेगी, तो डेट्स बुक हुई है 29 अप्रैल के, 29 अप्रैल को हम मुंबई से निकल जाएंगे और मुंबई में रिटर्न आएंगे 6 मई को, सैटरडे टू सैटरडे, 8 दिन का ट्रिप है जिसमें हम 3 लोकेशन, 4 लोकेशन बेसिकली कवर करेंगे, मिलना जुलना सब हो जाएगा।
सो आई एम सो हैप्पी, खुशी खुशी जाएंगे, यस। बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, बिकॉज वो पूरे ट्रिप का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और इस बार मैं उसको बैकअप करके रखूंगा ताकि वीडियो मिले। ओके गाइस, सो फाइनली मैं ऑफिस पहुंच गए। घर के पास ऑफिस होने का सबसे बेस्ट फायदा क्या होता है कि ट्रैफिक की मगजमारी नहीं, कोई मगजमारी नहीं। 9:30 घर से निकलो, 10 o'clock तक आप ऑफिस पहुंच जाते हो। आधे घंटे में कार से 20 kilometers है खाली, बट मस्के में पहुंच गया। फिलहाल अब ऑफिस में मजे करते हैं। संदीप भाई यहाँ पे पैकिंग कर रहे घर जाने की। अभी काम हम शुरू करते हैं, थोड़ा काम करेंगे फिर मिलते हैं आपको लंच पे। आज लंच बाहर करेंगे। ओके गाइस, सो दोपहर का टाइम हो गया, बहुत सारा काम करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने। और लंच हम लोग करेंगे मामलेदार मिसल में। आज काम करते करते थक गए तो आज पेट पूजा बाहर करेंगे जैसे मैंने पहले बताया था, और हम जाने वाले यज्ञेश भाई की गाड़ी में। चलो मिलते हैं आपको मामलेदार मिसल में। गाइस तो यहाँ पे आवाज बिल्कुल नहीं आने वाली है बिकॉज पीछे रोड खोदने का काम चालू है, तो मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूंगा, आपको दिखा दूँ कि हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर। मोस्टली तो मिसल पाव ही ऑर्डर करेंगे और लस्सी में एक स्पेशल लस्सी ऑर्डर करके आपको दिखा देंगे। आई एम ऑन द मेनू। भाई मस्त था, मजा आ गई। मामलेदार तो एज यू ऑल ऑलवेज नो फेमस है, हालांकि तीखा बनाए तो उसको ना बोलने के बाद ही, बट मिसल पाव तो तीखा हो गई। अभी हम लोग सब लोग कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, जाएंगे फिर काम शुरू कर देंगे। काम तो ऑब्वियसली मैं आप लोग को दिखा सकता नहीं हूँ, ऑफिस का काम है। तो जब भी नेक्स्ट कुछ होगा इवेंट आपको मिलता हूँ। शाम को जाना है वैसे ही मेरी बहन को पिक करने, तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। ओके गाइस, बहुत गर्मी हो रही थी बाहर। शाम के 6 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। ऑफिस से निकल रहा हूँ, अभी जाऊँगा बस ही सीधा बहन को पिक करने के लिए। दिन अच्छा खासा बीत गया और ऐसे ही सुकून भरा दिन रहे तो अच्छा लगता है। काम भी हो जाता है, मज़े भी हो जाते हैं, एंड कनेक्शन भी हो जाता है। वर्ड नहीं मिल रहा था क्या बोलूँ। सो फिलहाल के लिए चलो, भूख लग रही है, स्नीकर्स खरीद लिया। स्नीकर्स खरीदते खरीदते पहुँच जाऊँगा, खाते खाते पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। 1 घंटे का टाइम बता रहा है, उसके बाद वहाँ जाके उसको पिक करके 1 घंटे में घर पे। चलो रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग या अच्छा रहता तो आपको दिखाता हूँ। अरे बाय द वे, एक चीज़ पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने आपको पहले बताया कि नहीं बताया, ये जो ट्रिप इस बार मैं करने वाला हूँ वो सोलो ट्रिप है। हम जा रहे हैं अकेले ट्रिप करने, बहुत मजा आएगी। देखो हमारे साथ कौन है। सिया मैडम चॉकलेट खा रही है, मेरा चॉकलेट लेके खा रही है। फाइनली हम लोग शाम के 7 बजे निकल गए हैं पिक विक करके सबको। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और वसई में हमेशा की तरह ट्रैफिक लगी हुई है। तो कोई बात नहीं, ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बोनस खाते खाते ये यहीं खाते हैं और आपको मिलता हूँ ट्रिप पे सीधा। अगर बीच में गया कार बनवाने तो ठीक है, नहीं तो फिर ट्रिप पे। चलो मिलते हैं, बाय। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। वीडियोस तो आते ही हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरा